नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सौरभ सर क्लासेस में। आज हम एसेट 2020 से कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। एक्चुअरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि उन लोगों के लिए है जो एक्चुअरीज में अपना फ्यूचर परस्यू करना चाहते हैं। ये IAI और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज इन इंडिया के द्वारा कंडक्टेड होता है। कोई भी स्टूडेंट जो 12th पास है, मतलब उसकी 12वीं की एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, तो वो ये एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। हमने पहले भी एसेट 2020 से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, ये वीडियो उन्हीं वीडियो की कंटिन्यूएशन है। तो चलिए देख लेते कि आज का पहला सम क्या है। तो हमें एक इंटीग्रेशन दिया गया है और जो कि एक डेफिनेट इंटीग्रल है, तो हमें ये इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहले हमें जिस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन निकालना है, हम उसको मतलब इस फंक्शन का तो हमें इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, तो हम इसको fx नाम दे देते हैं, log बेस e 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होता है। तो f ऑफ माइनस एक्स इज 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स माइनस लॉग बेस ई 2 माइनस एक्स, क्योंकि हमें पता है लॉग m बाई एन इज इक्वल्स टू लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, अब अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा लॉग बेस ई 2 माइनस एक्स माइनस ऑफ लॉग बेस ई 2 प्लस एक्स, मतलब माइनस ऑफ लॉग बेस ई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, जो कि एफ ऑफ एक्स है। मतलब यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स जो फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन है, एफ एक्स इज ए ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो ज़ीरो होता है, मतलब इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो एज एफ ऑफ एक्स इज ए ऑड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं कि ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सम की तरफ। तो यहाँ पर हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो है एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स का। तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए पहले हम एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लेते हैं, तो 2x dx आएगा dt। तो अगर एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह टी रिप्लेस कर देंगे एक्स डी एक्स की जगह डी टी डिवाइडेड बाई 2 रिप्लेस कर देंगे एंड ई टू द पावर एक्स स्क्वायर की जगह ई टू द पावर टी रिप्लेस कर देंगे। तो ये एक इंटीग्रेशन आ गया जिसमें
हमें दो एक्सप्रेशन मिल गया, एक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दूसरा है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो हम अब यू वी की जो फॉर्मूला होता है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो फॉर्मूला होता है, उससे हम ये इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले हम टी को बाहर रख के इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी डी टी कर लेते हैं, एंड जो बाई पार्ट्स की बाकी की फॉर्मूला है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये आपको पता ही है कि बाई पार्ट्स जो होता है वो किस तरीके से होता है इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डी टी का वैल्यू है ई टू द पावर टी डी डी टी ऑफ टी इज वन, एंड इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डी टी इज ई टू द पावर टी। तो यहाँ पर हमें मिलेगा t मल्टीप्लाइड बाई टू डी पावर t माइनस ई टू द पावर t प्लस c, जो कि इंटीग्रल कॉन्स्टेंट है। तो आप अगर ई टू द पावर t को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा t माइनस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस c। एंड t की जो असल वैल्यू है वो है x स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस सी। तो जो आंसर है हमारा वो आएगा बी, हाफ ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। बी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, दो ही इंटीग्रेशन के ऊपर था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।